चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ट्रैक्टर सड़क पे दिखना कोई अपराध है? कोई वो अफगानिस्तान का टैंक है क्यों लड़ाई में जा रहा? ये आंदोलन अभी आपको और करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जाली है, जालसाज रचती है। संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्षों की शुरुआत हुई। जो नई पीढ़ी है इनको आंदोलन में आना पड़ेगा। हम मरने और गोली खाने के लिए तैयार हैं। किसान क्रांति यात्रा वापसी नहीं होगी। जिन किसानों के खिलाफ आपने ट्रैक्टरों पर मुकदमे दर्ज करे हैं, वे मुकदमे सरकार वापसी ले ले। किसानों, नौजवान साथियों, सभी खाप चौधरी और जितने भी यहाँ पे लोग आए, सबका धन्यवाद है उनका। देखो, कई इशू अब हुए हैं। नया इशू पिछले 7-8 दिन में, एक ट्रैक्टर क्या कानपुर में पलट गया, बहाना मिल गया किसान रैली में ट्रैक्टर ना किसान लेकर जाए। बहाना है ये, जो हम बार बार कहते थे कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर रहे, ये इसी बहाने पे इन ट्रैक्टरों को भी बंद करने का काम करेंगे। क्या कोटद्वार में बस नीचे गिरी, 40-41 लोग, 30 लोग मारे गए उसमें, क्या देश में से बस बंद होगी? रेल हादसे होते हैं, क्या रेल बंद होगी? मतलब ट्रैक्टर पर टारगेट है, ट्रैक्टर पर नहीं, किसान आंदोलन पर टारगेट है। किसान आंदोलन पे टारगेट है कि इनते प्रेशर बनाओ। ये तो पहले से ही बना रही सरकार। 26 तारीख में शामली में ट्रैक्टर लेके 26 जनवरी में 2021 में शामली में लोग गए होंगे, उनको नोटिस आवाए कोर्ट से। इनको पता भी नहीं चलने दिया, कोर्ट से नोटिस आए। ट्रैक्टर चलाना कोई अपराध है देश में? ट्रैक्टर चलेगा जहां पे शामली में सबसे पहले नोटिस आए, वहीं चलेंगे, उसी थाने पे ही। ये कान खोल के सरकार भी सुन ले और वो थानेदार भी सुन ले। ये तो मुख्यमंत्री का आदेश तब 4 दिन पहले आया। यहां का मुख्यमंत्री तो शामली का कप्तान और वहां का थानेदार बन गया, जिसने 26 तारीख आज से 1.5 साल पहले मुकदमे लिख दिए, 2 साल पहले। और मुकदमे लिख के उनको नोटिस करवा दिए। 17 तारीख की सिसोली की अब क्या मीटिंग होगी? अब क्या 17 तारीख का किसान क्रांति ट्रैक्टर मार्च शामली में होगा। मिल भी वही है, डीएम का घर भी वही है और वो कोतवाली भी वहीं पे ही है। 17 तारीख को हम भी यहां से ट्रैक्टर पे ही चलेंगे सुबह ही। और भाई, सबसे पहले चलान हमारा कटना चाहिए। हम भोरा थाने पर को निकल कर चलेंगे। 2 जिले लगेंगे और ये कानून पहले हम तोड़ेंगे भाई। शामली चलेंगे, उस कोतवाली पे भी चलेंगे। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट से पूरा आप इस सरकार का पाड़ी नहीं सकते। ये नोटिस भिजवा दिए, अब ट्रैक्टर लेकर तो गन्ना भी लेकर जाएगा, कल तो आप गन्ने वालों पर भी भिजवाओगे। मतलब ट्रैक्टर सड़क पे दिखना कोई अपराध है? कोई वो अफगानिस्तान का टैंक है क्यों लड़ाई में जा रहा? अगर आप उसके सर्वे कर लोगे कि कितने एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हो रहे, कितने मोटरसाइकिल पे हो रहे, कितने कार और उसमें हो रहे, क्या हवाई जहाज प्लेन क्रैश होता है देश में? प्लेन बंद हो गए हवाई जहाज? ये साजिश है, ये इत्तेफाक भी नहीं है, ये किसान के खिलाफ साजिश है। साजिश, 10 साल पुराना ट्रैक्टर इनकी साजिश है बंद करने का प्रोग्राम। इंजन, जनरेटर, तो 17 तारीख की मीटिंग होगी, वो अक्टूबर के महीने में होगी। अगले महीने की 26 तारीख लखनऊ में होगी, क्योंकि पूरे देश भर में यह आंदोलन होगा। 26 नवंबर का, 26 नवंबर 2020 को ही देश में दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ था।
अब अपने राज्यों में सब लोग अपनी राजधानी में करेंगे, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग चंडीगढ़ में करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में करेंगे लखनऊ में, उत्तराखंड के लोग देहरादून में करेंगे। हमको ये सारी तैयारी 26 तारीख की भी करनी है। एक का रिपोर्ट LIU की जाती है। आज भी यहाँ से कहाँ कहाँ से लोग आए, ट्रैक्टर आए, कौन कौन लीडर आए, उन सब की रिपोर्ट जाती है। ये भी जाती है कि सिसोली में तो टिकट या किसान संगठन बड़ी मीटिंग कर लेता है, लखनऊ में यहाँ से लोग नहीं निकलते। इस क्षेत्र से कितने लोग निकलेंगे, शामली से बताते हैं कि लखनऊ जाएंगे या दिल्ली की मीटिंग में जाएंगे कि 500 लोग हैं, लेकिन जब LIU के लोग बताते हैं दिल्ली में, हमको हर जिले से निकलने वाले आदमी का पता है कि कहां से कितने लोग निकले। कोई भी जिले के लोग बताते हैं जी मेरे साथ में 800 लोग आए, लेकिन जब गिनती होती है तो 65 आदमी उसके जाते हैं वहां पर। ये धोखा अपने आप को नहीं, अपने खेत को धोखा है। ये आंदोलन अभी आपको और करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जाली है, जाल साज रचती है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती, देश के कोर्ट कचहरी को नहीं मानती, देश के इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती। तो जो संविधान संसद में को नहीं मानती, संसद में गलत तरीके के फैसले जाती है, किसी को वहां पे बोलने का अधिकार नहीं, उसको सुनाई नहीं होती, तो ऐसी सरकारों के खिलाफ आंदोलन सड़कों पे होते हैं। अब वो टाइम आ गया कि आंदोलन कितने दिन और चलेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आंदोलन जरूरी है करना। आपकी जमीन छीनने का प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि जितने भी सड़कों के नजदीक की जमीन है वो किसान के पास में बची ही नहीं। आप गौर करना उसकी, वो सारी जमीन ने व्यापारियों ने खरीद ली आपकी। महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है सड़क के नजदीक की, आपके खेत में चक्रोड़ जा रही है 8 फीट की। दोनों तरफ से व्यापारी महंगी जमीन खरीदेगा, उसके बाद में दीवार करेगा और पिछली जमीन सस्ती खरीदेगा। ये ध्यान से सुन ले, कोई भी अगर जमीन खरीदता है या तो इस पे कानून बना दे कि अगर किसी को दीवार करनी है तो 3 फुट जगह छोड़ देगा, नहीं तो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली उस चक्रोड पे भी आएगी, उसकी दीवार अगर ढहेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार षड्यंत्र रच रही है आपके खिलाफ, जरा जरा सी चीज पर आपको नहीं पता। आपकी जमीन छीनने का प्रोग्राम बना लिया है इन्होंने कि जमीन पे कब्जा करो, इस जमीन से इतनी नफरत इस किसान को हो जाए कि मेरे खेत की फसलों के दाम नहीं मिलते, मुझे इस जमीन से कोई मतलब नहीं, मैं बेच के दुकान करूंगा, मैं बेच के दिल्ली में स्टोर करूंगा, मैं शहर में जाऊंगा मकान बनाऊंगा, और आप उस जमीन को फटाफट बेचने का काम कर रहे। जमीन ना बेचो, आने वाले 20 और 25 साल जो लोग जमीन रोक लेंगे उन्हीं की कदर होगी। ये जमीन आपको भोजन देती है, दूध देती है, ये रोटी देती है, ये जमीन ही है आपको कि एक परिवार नौकरी कर लेगा, 10 परिवार उसी के भरोसे खाते हैं, तो जमीन के भरोसे आप खाते हो। आप सोच कर देखो, जिस दिन आपको आटा दाल तेल और दूध बाहर से खरीदना पड़ेगा तो खरीदने के लिए पैसा कहां से जाओगे वो बता दो बस। संघर्ष करना पड़ेगा, अब संघर्षों की शुरुआत हुई। जो नई पीढ़ी है इनको आंदोलन में आना पड़ेगा, तो हमको जमीन बचानी है ये। और अपना 17 तारीख का आंदोलन किसान क्रांति ट्रैक्टर यात्रा शामली से शुरू होगी, वहीं थाने पे भी प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि 140 करोड़ रुपया देने की बात करी तो 140 करोड़ रुपया पूरा नहीं दिया। इस महीने में पूरा भुगतान देने की बात शामली के प्रशासन ने करी, वो नहीं किया जा रहा।
तो अपनी प्रशासन भी तैयारी कर ले। ये शामली वही क्षेत्र है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और लोग मारे थे आपने। हम मरने और गोली खाने के लिए तैयार हैं। किसान क्रांति यात्रा वापसी नहीं होगी। जिन किसानों के खिलाफ आपने ट्रैक्टरों पर मुकदमे दर्ज करे हैं, वे मुकदमे सरकार वापसी ले ले, नहीं तो अगले निर्णय भी वहां पर होंगे। हमारा ट्रैक्टर सड़कों पर चलता हुआ बंद नहीं होगा और जो भी पुलिस प्रशासन उसके चलान काटने का काम करेगा उसी को उसको भुगतान करने की भी जिम्मेदारी होगी। हमारा ट्रैक्टर चलेगा सड़कों के ऊपर, हमारे लोग भी बैठ के चलेंगे। और भी बहुत से सवाल हैं, आप अपना संगठन बनाओ, गांव गांव में कमेटियां बनाओ। और जिस तरह से आपने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया, बहुत लोग यहाँ पे आए, बहुत लीडर यहाँ पे आए, आप सबका धन्यवाद है। जय हिंद जय भारत। जिन लोगों ने खाने का व्यवस्था करी गांव गांव के लोगों ने, उनका भी धन्यवाद। और जिस तरह से एक गांव जो 7-8 गांव के बीच में साटू गांव है, वहां पे खेल का एक स्टेडियम बनेगा, इसी तरह से सरकार से अपील है कि गांव में खेल के स्टेडियम बने। आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय भारतीय किसान यूनियन। हो गया।